हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त से ग्रूमिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ। पहले तो बहुत से मैं आप लोगों के साथ होम क्लीनिंग टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फर्स्ट वीडियो है मेरी जिसमें मैं आप लोगों के साथ सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सो लेट्स डिग इन टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहली टिप हमारी ये है कि हमें कोई इस तरह से लाइट वेयर्स लेने हैं, यानी कि लाइट ट्रेंडी कपड़े लेने हैं, यानी कि लॉन्ग शर्ट्स हो, थोड़े से लूज कुर्ते हों, तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। सबसे पहले हम एक ज़बरदस्त सा शॉवर ले लेंगे अपने होम टास्क के बाद, और इस तरह के कपड़ों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन लाइट कलर्स में। मेरे पास डार्क कलर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को डार्क कलर पसंद है। चलिए जी, शॉवर ले लिया। अब टिप नंबर टू हमारा ये है कि हमने कोई भी अच्छा सा हल्का सा जो है वो कलर ले लेना है, पिक कर लेना है अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग, और उसको अच्छे से नेल्स पर अप्लाई कर लेना है। अगर नेल्स क्लीन नहीं है, पहले नेल्स क्लीन करेंगे, फाइल करेंगे, उसके बाद हम नेल पेंट लगाएंगे। अगर तो आप लोग नेल पेंट नहीं लगाना चाहते तो आप इस टिप को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह के छोटे छोटे मेकअप वाइप्स होते हैं जिनसे आप अच्छे तरीके से अपने नेल्स को वाइप कर सकते हैं, अपने नेल्स पेंट और मेकअप वाइप्स होते हैं। ये दो चीज़ें आप लोगों की वैनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये हल्का सा पेस्टल कलर्स थे, और इस तरह के कलर्स जो है आजकल समरी लुक में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल ही हैंड्स की लुक चेंज हो जाती है अगर आप लोग इस तरह से कोई भी नेल पेंट लगा लेंगे। नमाज के लिए आप लोग इसको उतार भी सकते हैं। टिप नंबर थ्री मैं आप लोगों को दूंगी कि अगर आप लोगों के बाल गीले हैं और थोड़े थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, यानी कि वेट हेयर्स जिन्हें कहते हैं डैम, तो उसमें आप लोगों ने ये मज़े का ज़बरदस्त सा कोई भी हेयर सीरम लगा लेना है। यहाँ पे मेरे पास ये रिवाज का है, ये एलोवेरा कोकोनट सीरम है, जो कि रेट में बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, 600 to 700 के रीच में आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी वाटरी है, ऑयल बेस्ड है ये, लेकिन इसका टेक्स्चर कुछ इस तरह का है कि बालों में लगाते ही बिल्कुल गायब हो जाता है। आप लोगों ने जब भी सीरम लगाना है इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी ऑयली सीरम नहीं होना चाहिए जिसके बाद आप लोग के हेयर जो है वो ग्रीसी लुक दें। और इस तरह का कोई भी ब्रश आप लोगों ने पिक करना है जिसके ब्रिसेस जो हैं वो इस तरह से खुले हों, ताकि आप लोगों के जो टैंकल्स हैं वो इजीली जो है वो रिमूव हो सकें। ये दो चीज़ें हमारे हेयर्स के लिए बेस्ट हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारी बॉडी के रिलेटेड। अगर समर्स में हमारी बॉडी से फ्रेग्रेंस आएगी तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होगा, लेकिन अगर हमारे स्मेल आएगी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। उसके लिए ये डव की ये जो ड्योड्रेंट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने बहुत चीज़ों पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन किसी चीज़ का रिजल्ट मुझे इतना ज़बरदस्त नहीं लगा जितना मुझे इसका लगा है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, सोप की तरह है, जैसे हमारे पास सोप होता है ना, सोप को माइल्ड सा होता है, इस तरह इसका टेक्सचर जो है वो सोप जैसा है। और आर्मपिट्स पर लगाने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी वेट फील नहीं होगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोग भी इस तरह की किसी चीज़ की तलाश में हैं, सो गो विद दिस। अब नेक्स्ट हम चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है बॉडी मिस्ट। बॉडी मिस्ट जो है वो पहले नहीं थे इतने ट्रेंड में, लेकिन आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, और बहुत ज़्यादा इनकी जो है ना फ्रेग्रेंस, नहाने के बाद अगर आप लोग शॉवर लेने के बाद अपने वेट बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे ना, तो ये आप लोगों को बहुत लास्टिंग देगा। तो यहाँ पर मेरे पास दो हैं, एक ECS का, एक खाड़ी का है, लेकिन आप लोगों को जो भी फ्रेग्रेंस पसंद है आप लोग स्टोर में विजिट करके अपनी पसंद का ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे अपने फेस के बारे में। फेस जो है वो समर्स में बहुत ज़्यादा इचिंग करता है, तो इसीलिए ग्रीसी चीज़ें लगाने से अवॉइड करें। यहाँ पे मेरे पास टू टाइप्स के सीरम्स हैं, बहुत ही लोकल है, बहुत ही सस्ते हैं, लेकिन बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे विटामिन सी सीरम जो है वो डॉक्टर राशल का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, 2 बॉटल्स मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, ये मेरी थर्ड है। इसका एक फ़ायदा यह है कि लगाने के बाद बिल्कुल ही गायब हो जाता है, यानी कि मॉइस्चर जो है वो इसका लॉक हो जाता है, लेकिन ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं होता, स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के पास एक ऑप्शन है। दूसरा ये मेडिकेटेड है, अगर किसी को इसके बारे में पता करना है तो कमेंट्स पे मुझसे पूछ लें, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, लेकिन ये जो है ये विटामिन सी सिरम नहीं है, ये लाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये मैं रात में यूज़ करती हूँ। इसके बाद हमें सन ब्लॉक लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोग कोई भी सन ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह से टिंटेड सन ब्लॉक लगाती हूँ, यानी कि इसकी जो टेक्स्चर है वो बेस की तरह है, यानी कि BB क्रीम की तरह है। अगर आप लोग लगाएं
लगाएं तो थोड़ा सा आप लोगों को वो ना आपके फेस को एनहांस करेगा, आप लोगों को कि डेली बेसिस पे किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप लोग इस टाइप के सनब्लॉक यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे आपकी स्किन प्रेप भी हो जाएगी और आप लोगों का एक बेस भी सेट हो जाएगी। इसके बाद हमें अपने हाथों और पाँवों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हैंड्स के लिए तो मैं हर वक्त जॉनसन से ही यूज़ करती हूँ, मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और फुट्स के लिए जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये शिया बटर FW ऑर्गेनिक्स का है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है, बटरी सी की कंसिस्टेंसी है। लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात इसमें यह है कि आप लोग इसको लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ही जो है वो आप लोगों की स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इसको आपको हर दिन में 3-4 दफ़ा तो अप्लाई करना ही करना है। पाँव को अगर आप लोग अवॉइड कर रहे हैं तो हाथों को आप लोगों ने बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। नेक्स्ट टिप है वो हेयर्स के बारे में है। आजकल इस तरह ट्रेंड में क्लिप्स वगैरह चल रहे हैं, यानी कि हेयर पिंस, अगर आप लोग ओपन रख सकते हो तो वेरी गुड, अगर आप लोग इस तरह टाई कर लो एक साइड से। अदरवाइज इस तरह से स्क्रंचीज भी हैं, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो। और आजकल तो ये जो क्लिप्स हैं ना, बोज वगैरह डिफरेंट कलर्स की होती हैं, सिल्क की भी होती हैं, नेट की होती हैं, ऑर्गेन्जा की होती हैं, सारे कपड़ों के साथ बिल्कुल मैचिंग में अगर आप लोग पहनेंगे तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी आप लोगों की। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बच्चे बड़े मतलब हाउस वाइफ्स हों या वर्किंग लेडीज़ हों, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, तो आप लोग अपने लिए भी ये ख़रीद सकते हैं। इसके बाद हमें नो मेकअप मेकअप लुक के लिए क्या चाहिए, जस्ट वन टिंट। अगर आप लोग के पास एक अच्छे कलर का टिंट है, यानी कि रेड में या डार्क पिंक में है, तो आप लोग अपना डेली का सारा मेकअप कर सकते हैं उससे, और आप लोग बहुत ही यकीन करें प्रेजेंटेबल लगेंगे। तो ये एक टिंट है बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ लेकिन इसमें अभी भी गुंजाइश बाकी है। तो क्या है करना है आप लोगों ने, डेली का आप लोगों ने टिंट अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर लेना है, थोड़ा थोड़ा चीक्स पे भी अप्लाई कर लेना, अगर किसी को पसंद है तो अपने आईलेट पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ज्वेल्स की बात कर ली जाए तो आप एक छोटा मोटा सा पेंडेंट पहन सकते हैं जो कि बहुत ही स्लीक लगता है। और इस तरह के अगर आप लोग हाउस वाइफ्स हैं, मैरिड हैं, तो आप लोग ऑब्वियसली के गोल्ड की रिंग्स या इस तरह की टाइप की रिंग्स तो आप लोग पहनते ही होंगे। उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।